तो बिहार उपचुनाव के आज नतीजे सामने आ जाएंगे। गोपालगंज मोकामा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। दोनों सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। दोपहर तक जो परिणाम है वो साफ हो जाएंगे। महागठबंधन और बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है सीधे तौर पर दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही है। जहां एक तरफ जो है महागठबंधन अपनी जीत का दावा करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। और साथ ही मौजूदा विधानसभा की स्थिति क्या है, यानी कि 243 में से 240 सीटों का अगर हम जिक्र करें तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी के पास 76 है, आरजेडी 78 है, जेडीयू 45 है और आईएनसी यानी कि 19 है, लेफ्ट के पास 16 है, हम के पास 4 है, एआईएमआईएम के पास 1 है। यानी कि सीधे तौर पर अगर आप आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो स्थिति मजबूत कहीं ना कहीं आरजेडी की नजर आती है। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि जनता आईना दिखाएगी आरजेडी को, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार जब से अलग हुए हैं बीजेपी से उसके बाद यह पहला उपचुनाव है 2 सीटों पर। और महिला यानी कि वुमेन कार्ड भी यहां पर खेला गया है। गोपालगंज विधानसभा में वर्सेस की जो लड़ाई है मोहन गुप्ता और कुसुम देवी के बीच में है। आरजेडी से मोहन गुप्ता है और साथ ही कुसुम देवी जो है वो बीजेपी से है, तो यहां पर भी सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। मोकामा का अगर हम जिक्र करें, देखिए आरजेडी से भी महिला कैंडिडेट है, बीजेपी से भी महिला कैंडिडेट है और दोनों ही बाहुबलियों की श्रेणी में आती है। यानी कि नीलम देवी का अगर हम जिक्र करें और साथ ही सोनम देवी का जिक्र करें तो दोनों की स्थिति वहां पर मजबूत नजर आती है। लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो बताएगी कि आखिर उपचुनाव का किंग कौन है। और यही वजह है कि परिणाम का सभी इंतजार कर रहे थे। आज फैसले का दिन है, 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। दोपहर तक दोनों सीटों से नतीजे सामने आएंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधेश, आज फैसले का दिन है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम? जी प्रीति, आपको बता दें अब से ठीक 1 घंटे बाद 8 बजे से मतों की गणना जो है शुरू हो जाएगी। इसको लेके थावे के डायट सेंटर में सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं, 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। वहीं ड्रोन कैमरे से मतगणना केंद्र के आसपास के इलाकों पर नजर रखी जाएगी। एसडीएम ने किसी भी तरह के जुलूस या रैली निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। वहीं मतगणना कर्मी जो है हॉल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जो भी कैंडिडेट हैं उनके भी जो मतगणना के अभिकर्ता हैं वो भी मतगणना हॉल में पहुंच चुके हैं। अब से ठीक थोड़ी देर बाद मतों की गणना शुरू होगी। कुल 9 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला होना है। गोपालगंज की जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है ठीक थोड़ी देर बाद इसका खुलासा होगा। बिल्कुल, देखिए लगभग दोपहर तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन जो स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है अगर हम समीकरण की ओर देखें तो वो भी कहीं ना कहीं इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार स्थिति और परिस्थिति दोनों अलग है। जी मधेश। जी प्रीति, आपको बता दें यहाँ मतगणना के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं। 14 टेबल पे 3-3 कर्मी हैं। वहीं कुल 24 राउंड की मतगणना की जाएगी। पहले मतगणना जो है ईवीएम के साथ, दूसरे टेबल पे बैलेट पेपर की मतगणना की जाएगी और ठीक 8:10 से पहला रुझान जो है वो आना शुरू हो जाएगा। सदर एसडीएम ने बताया है कि मतगणना का जो रुझान है 10-10 मिनट पे अपडेट किया जाएगा। बिल्कुल, सेंटर्स कहां पर बनाए गए हैं और साथ ही अगर हम आप मतगणना की बात कर रहे थे, 8 बजे ये शुरू हो जाएगा, कब तक रुझान आना शुरू होंगे, कितने लोगों को वहां पर तैनात किया गया है? जी, प्रति टेबल पे 3 लोगों की तैनाती की गई है। और आपको बता दें किसी भी मतगणना कर्मी के पास मोबाइल या डिवाइस अलाउ नहीं है। मतगणना हॉल में प्रवेश करने से पहले सघन जांच किया गया, चाहे वो अधिकारी हो या मतगणना में लगे कर्मी हो। वहीं अभ्यर्थियों के जो कैंडिडेट के जो मतगणना के एजेंट हैं, अभिकर्ता हैं, उनकी भी तलाशी ली गई, जिसके बाद मतगणना हॉल में उन्हें प्रवेश करने दिया गया। सुरक्षा को लेकर आपको बता दें व्यापक इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगाए गए हैं, वहीं ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। वहीं हमारे संवाददाता रितेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, फैसले का दिन है, तस्वीरें लगभग दोपहर तक साफ हो जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई दिग्गजों की किस्मत आज साख पर है।
बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने, क्योंकि ये जो उपचुनाव के परिणाम है ये भविष्य की जो राजनीति है बिहार की उसे तय करने वाले होंगे। लेकिन अगर बात करें कि चुनाव परिणाम वोटों की गिनती की, तो बस थोड़ी ही देर बाद अब वोट जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी, सर्विस वोटों की गिनती से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद 9 बजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे, 11 राउंड में कुल वोटों की गिनती होने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो 25 जो राउंड टेबल है वो बनाए गए हैं, जहां पर ईवीएम की काउंटिंग होगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, चाहे आर्यभट्ट ये जो संस्थान जहां पर वोटों की गिनती होगी वहां पर बाहर में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, अंदर जहां पर्यवेक्षक और जो काउंटिंग करेंगे वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, यानी परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता है। एक एक व्यक्ति की पूरी बाकायदा जांच हो रही है, उसके बाद ही किसी दिया जा रहा है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज का जो ये चुनाव परिणाम है ये बिहार की राजनीति की जो दशा है और दिशा है उसको तय करने वाला होगा, और सभी लोगों की निगाह इस चुनाव परिणाम पर, भले ही उपचुनाव के परिणाम आने वाले हैं लेकिन निगाह सारे लोगों की है, क्योंकि इसके बाद ही बिहार में क्या कुछ आगे राजनीतिक समीकरण होंगे, क्या कुछ चीजें होंगी, इसी पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल रितेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।